दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप अपना एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्टॉक मार्केट से कैसा पैसा कमा सकते हो और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और आपके लिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है बेस्ट आपके हिसाब से, आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से, आपका प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आप को तरीका को अपना के आप अपना पैसा बना सकते हो, अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और चैनल पे पहली दफ़ा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखना, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेगा आपको। तो चलिए डिले ना करते, टॉपिक पे आते हैं। मैं सरोज और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल सरोज बनर्जी पे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का या फिर एक्स्ट्रा इनकम करने का वैसे तो बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन जनरली दो ही तरीका होता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना के पैसा कमाते हैं और जो इजी भी होता है, आप इजीली जिसको अपना सकते हैं, जिसको कर सकते हैं। नंबर वन होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग क्या है और ट्रेडिंग क्या है, तो चलिए इन्वेस्टिंग को थोड़ा पहले समझते हैं। इन्वेस्टिंग जनरली इन्वेस्टिंग होता है, इन्वेस्टिंग आपने आपका जो आपका कमाया हुआ पैसा, आप एक प्रोफेशनल जॉब होल्डर हो या फिर आपका पहले से ही पैसा है, जिस पैसा को आप काम पे लगाते हो, आप इन्वेस्ट करते हो दूसरे के बिजनेस में, आप अपने पैसा को काम पे लगाते हो, आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आपको इनकम करके देता है, आपको पैसा जनरेट करके देता है। मतलब आप अपने पैसा को काम पे लगाते हो, आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा के आपको देता है। इन्वेस्टिंग का सिंपल सा फंडा यही होता है। और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है आप अपना स्किल का इस्तेमाल करते हो, आप अपना नॉलेज का, आप अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हो, उसको यूटिलाइज़ करते हो, एफर्ट को लगाते हो, जिससे आपका स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज से आप यहाँ से पैसा बनाते हो। गाइज, अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आपके लिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है बेस्ट जिससे आप अपना पैसा बना सकते हो। तो इन्वेस्टिंग का जनरली आप इन्वेस्टिंग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आके अपना डीमैट बना के डायरेक्ट स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हो, किसी भी शेयर को खरीद सकते हो, जैसे टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, जिंदल हो गया, मित्तल हो गया, रिलायंस का हो गया, किसी भी एशियन पेंट, बर्जर पेंट, सन फार्मा, किसी भी FMCG में आप नेस्ले का, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, किसी भी कंपनी का स्टॉक को खरीद सकते हो और आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। अगर आपको लगता है कि आने वाला समय में इस स्टॉक का या फिर इस कंपनी का बिजनेस आने वाला समय में, आने वाला 5 साल में ग्रो करने वाला है और बूम लाने वाला है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना एक मोटा अमाउंट उसमें आप लगा सकते हो, जिसको आप उसका बिजनेस अगर ग्रो करता है तो डेफिनेटली आपका भी पैसा ग्रो करेगा। जितना परसेंटेज उसका बिजनेस ग्रो करता है, उन कंपनी का, उन स्टॉक्स का, आपका पैसा भी उस हिसाब से ग्रो करता है। साइमल्टेनियसली वो बिजनेस अगर डाउन जाता है, डिसग्रो करता है और फॉल करता है, तो आपका पैसा भी डिसग्रो करेगा और फॉल करेगा, आपको भी कैपिटल लॉस होगा। ये डायरेक्टली इन्वेस्टिंग करने का एक ऑप्शन होता है। आप अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर नहीं पाते, डायरेक्टली इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज का जरूरत होता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, कंपनी का PE रेशियो देखना पड़ता है, कंपनी का बैलेंस शीट देखना पड़ता है, आपको कैश फ्लो देखना पड़ता है, बहुत सारा मार्केट नॉलेज गेन करना पड़ता है, आपको मार्केट का ट्रेंडिंग, उस बिजनेस का आने वाला समय में क्या फ्यूचर है, उस बिजनेस का आने वाला समय में क्या इनोवेशन है, उसका मार्केट में क्या डिमांड होने वाला, सारा चीज़ का आपको जानकारी लेना पड़ता है, तभी जाके आपका इन्वेस्टिंग सही इन्वेस्टिंग माना जाता है। लेकिन आप डायरेक्टली अगर स्टॉक में नहीं आना चाहते हो, इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आ सकते हो। अब म्यूचुअल फंड किसी भी ABC किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को, किसी फंड हाउस को आप एक अपना पैसा दे देते हो, उसका एक फंड मैनेजर होता है जो कि इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होता है और उसका सारा का सारा रिसर्च और टोटल काम वही होता है कि कौन सा स्टॉक आने वाले समय में अच्छा करने वाला है, कौन सा इन्वेस्ट, जहाँ पर इन्वेस्ट करके आपका फायदा होने वाला है। तो वो आपका पैसा को 40 से 50 कंपनी में छोटा 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 हिस्सा करके लगा देता है, जिससे आपका पैसा भी ग्रो करता है, आपको उससे 20% 15 से 12 से 20% तक का आपको सालाना उसमें 12 से 20% तक का रिटर्न मिलता है, जिसमें से उन लोग वो म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ अपना एक्सपेंस रेशियो रखता है 1% के आसपास, बाकी आपको प्रोवाइड करता है, जो 12 से 15% आपको प्रोवाइड करता है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो, डिटेल वीडियो दिया हुआ है म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसा काम करता है म्यूचुअल फंड। ओके,
तो ये हो गया इन्वेस्टिंग का कुछ ऑप्शन। आप इन्वेस्टिंग गोल्ड में भी कर सकते हो, आप इन्वेस्टिंग कमोडिटीज में भी कर सकते हो। इस प्रकार का इन्वेस्टिंग का बहुत सारा ऑप्शन होता है। इन्वेस्टिंग मतलब आपको मैंने जैसे बताया कि आप पैसा को इन्वेस्ट कर देते हो, दूसरे के बिजनेस में लगाते हो और आपके पैसा आपके लिए पैसा कमा के देता है। अब दोस्तों ट्रेडिंग सेगमेंट पे आते हैं। ट्रेडिंग जनरली होता है क्या, ट्रेडिंग किसी भी चीज़ को खरीदना बेचना को ही ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग का कितना ऑप्शन अवेलेबल होता है स्टॉक मार्केट में, अगर आप आते हो तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे। जनरली आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग होता है जो कि आप डे स्टॉक में जाके कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल होगा, या फिर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। ये तीन ही ट्रेड आप कर सकते हो जहाँ से आप पैसा बना सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। ये ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है इन्वेस्टिंग के मुकाबले, बहुत ज़्यादा रिस्की हाई रिस्की होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे पे खरीदना है, सेम डे पे बेचना है, या फिर आप बेच रहे हो सेम डे पे खरीदना है, मतलब पूरा का पूरा डील आपको 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक हो जाना चाहिए। आप किसी भी स्टॉक को 100 रुपये में खरीद रहे हो और 3:30 बजने से पहले पहले आप उसको 110 रुपये में या फिर 150 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको वहाँ पर 10 रुपये या फिर 50 रुपये का मुनाफा होता है। लेकिन साइमल्टेनियसली आप किसी भी चीज़ को अगर 100 रुपये में खरीदते हो और उसका प्राइस 90 रुपये में आ गया और फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको वहाँ पे 10 रुपया लॉस झेलना है, लेकिन दिन खत्म होते होते आपको उस डील को ख़त्म करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो ये हो गया इंट्राडे। फिर आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी का ले सकते हो, जहाँ पे एक वीकली एक्सपायरी होता है, यानी जो वीकली एक्सपायरी होता है वो थर्सडे को होता है, मंथली एक्सपायरी जनरली 28 या 29 तारीख को होता है, जिसमें आप उस दिन तक का आप उसका ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शन खरीद सकते हो, जो कि बहुत हाई रिस्क होता है, जिसमें डीके डेल्टा ये सब का डीके होता है, पैसा आपका अल्फा बीटा डेल्टा का पैसा कटता है। ये एक अलग चैप्टर हो गया, इसको मैं ऑप्शन को अगर आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा तो बहुत लेंथ वीडियो हो जाएगा, इसमें संभव नहीं है। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। और तीसरा होता है स्विंग ट्रेड। किसी भी स्टॉक का स्विंग को पकड़ते हो, यानी आपको लगता है कि आने वाला 3 महीना में या आने वाला 2 महीना पे या आने वाला 6 महीना पे इसमें एक बहुत अच्छा तेज़ी आने वाला है, जो 100 रुपया या फिर 200 रुपया 500 रुपया का स्टॉक है, ये आने वाला समय में 1000 रुपया 1500 रुपये पहुँच सकता है, तो उस स्विंग को आप कैप्चर करते हो, जिसका आप कैप्चर करके वो 2-3 महीना के अंदर ही कम समय में आपको अच्छा मुनाफा होता है, तो इसको स्विंग ट्रेड बोला जाता है। देखिए दोस्तों ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, जहाँ पे आपको अच्छा पैसा कमाने का मौका होता है वहाँ एक अच्छा मोटा पैसा आपको लॉस भी हो सकता है। दोस्तों ट्रेडिंग के लिए आपको जनरली बहुत सारा नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है। ट्रेडिंग के लिए आपको डे बाई डे हर दिन का मार्केट नॉलेज आपको गेन करना पड़ता है, हर दिन अपडेट होना पड़ता है मार्केट के साथ, कोई स्पेशल न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है, क्या कोई RBI का न्यूज़ आता है, किसी स्टॉक का पर्टिकुलर स्टॉक का किसी बहुत पैनिक वाला न्यूज़ आता है या फिर बहुत अच्छा वाला न्यूज़ आता है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। आपका टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स को चार्ट को पढ़ने आना पड़ता है, जिससे आप उसका टेक्निकल एनालिसिस करके या फिर किसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस उसका चार्ट को पढ़ के आप रीड करके आना चाहिए कि हाँ आने वाला समय में ये ऊपर जाएगा, ये चार्ट बोल रहा है, तो उस हिसाब से आपको इसके बहुत ज़्यादा नॉलेज बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि किस दिन आपका अगर लॉस हो जाता है तो उसका 3:30 बजे से पहले अगर आप लॉस बुक करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो डेफिनेटली स्टॉक आपको इन्वेस्टिंग के मुकाबले ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाला जॉब होता है। रिस्की तो है लेकिन दोस्तों आप पैसा भी बहुत बना सकते हो इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए होने वाला है बेस्ट। दोस्तों अगर आप एक जॉब होल्डर हो, आपका प्रोफेशनल प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका किसी और दूसरा है, जो कि 9 बजे से 6 बजे तक आप जॉब करते हो या फिर सुबह से लेकर शाम तक आपको जॉब करते हो, आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हो जहाँ पे आपको समय देना होता है और काम का प्रेशर रहता है, तो आपको उस सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग नहीं चूज़ करना है, ट्रेडिंग का ऑप्शन अपनाना नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग रिलेटेड आपको चीज़ को अपनाना है। आपके पास अगर बीच बीच में समय मिलता है, आपको स्टडी कर पाते हो, आप नॉलेज गेन कर पाते हो, तो आपको डायरेक्टली शेयर मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर समय बहुत है, आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, आप लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो और आप यहाँ पे नॉलेज लेना चाहते हो, सीखने के लिए आप रेडी हो, यहाँ के एक्सपीरियंस गेन करने के लिए रेडी हो, साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए रेडी हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग ऑप्शन सही है, जहाँ पे आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो, अपने करियर को बना सकते हो, जहाँ से पैसा कमा के आप इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो।
तो जनरली लोग दोस्तों यही दो कैटेगरी में आते हैं, या तो ये दो कैटेगरी का अलग अलग ऑप्शन होता है, जिसका जिन लोगों का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अलग है, प्राइवेट जॉब होल्डर है या फिर सरकारी जॉब होल्डर है, उन लोगों के लिए इन्वेस्टिंग सही है, और जिसको जो समय दे पाएगा, नॉलेज ले सकता है, अपना करियर बना सकता है इसमें, उसके लिए ट्रेडिंग सही है। स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट के लिए तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग सही है। आप धीरे धीरे मार्केट को रीड करो, सीखो, फिर जाके आप आने वाला समय में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया मैंने, उसको आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आते हो या फिर आना चाहते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर पहली दफ़ा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करके रखना, क्योंकि फाइनेंस और इन्वेस्टिंग रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो आते रहता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं लेता हूँ विदा, जय हिंद।